काफी दिन के बाद मेरे को बहुत ज्यादा रोना भी आया और खुशी भी हुई। खुशी इस बात पे कि बॉलीवुड अभी इस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अभी अभी मैंने ट्रेलर देखा था केरला स्टोरी का, और बताऊं इस मूवी की जो कहानी है ना बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है और बहुत ज्यादा रियल इंसिडेंट से भी इंस्पायर्ड है। अब कहानी क्या है पता है तुमको? पाकिस्तान के जो ISI रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, केरला की बहुत सारी लड़कियों को अपना जाल में फंसा कर उनके धर्म के साथ भाई साहब खिलवाड़ करते। और देखो तुमको एक चीज बताऊं, ये जो चीज है ना भाई ये ISI के लिए नया चीज नहीं, ये बहुत दिनों से हमेशा ये ऐसे ही करते आते। और एक चीज याद रखना भाई मेरे हिसाब से कि किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि ये नहीं लिखा कि तुम खुद को मतलब प्रूव करने के लिए कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो उसके लिए भाई सब किसी को बेरहमी से मार दो, किसी को बॉम्ब ब्लास्ट कर दो। तो भाई मेरे हिसाब से ये जो करते रहे वो भाई वो ना हिंदू धर्म से होते ना मुस्लिम धर्म से होते, उनकी वजह से भाई सारा धर्म खराब होता है। ट्रेलर को जिस हिसाब से प्रेजेंट किया ना काफी ज्यादा अच्छा लगा, डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरह से मूवी को प्रेजेंट किया होगा उम्मीद करते हैं। अब देखो ये कहानी क्या पता, एक शालिनी नाम की लड़की रहती है, जिस हिसाब से ट्रेलर में देखा शालिनी नाम की एक लड़की रहती है, अब वो पढ़ाई वगैरह के सिलसिले के लिए जाती है, शायद पाकिस्तान जाती है क्योंकि दिखाया गया एडुकेशन सिस्टम भी। अब वहां जाते तो वहां पर किस तरीके से ISI अपने जाल में लड़कियों को फंसा कर, जिसमें शालिनी भी शामिल होती है, फंसा कर भाई साहब वो उनको बहुत ज़्यादा बुरे बुरे जैसे कैसे होता ट्रेनिंग वगैरह देना, उनको यूज़ करना भाई साहब गलत गलत काम में, तो वो सब सारा चीज़ हम लोगों को ट्रेलर में देखने को मिला। ट्रेलर में एक चीज़ मैंने देखा ना यार सर, उस चीज़ को देख करना और सुन करना मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वहाँ पर एक मतलब लीडर रहता है ऐसा का, वो बोलता है कि अगर लड़कियों को फंसाने के लिए तुमको उनको प्रेग्नेंट भी करना पड़े तो कर दो। भाई साहब ये मतलब क्या चक्कर है, मतलब समझ रहे हो यार, मतलब कितना इंसान गिर सकता है भाई साहब, और खुद को बोलते हैं मुस्लिम है हिंदू है भाई। तो देखो छोड़ हटाओ, जिस हिसाब से मूवी को प्रेजेंट किया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसके व्यूजर्स अच्छे लगे, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और भाई स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है कि इंगेजिंग होगी। लेकिन एक चीज़ मेरे को बोलना चाहता हूँ कि ये मूवी को अगर OTT पे देते तो काफ़ी ज़्यादा लोग इंगेज होते। अब इस मूवी को थिएटर पे दिया जा रहा है 5 तारीख को, तो मेरे हिसाब से लगता है बहुत कम लगता है कि भाई इस टाइप की मूवी को स्क्रीन्स मिलेंगे और भाई लोग देखने जाएंगे, क्योंकि OTT पे रहेगी तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होगा, इस टाइप की मूवी बहुत ज़्यादा OTT पे ही चलती है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। चलो आज की वीडियो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।